FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, पुलिस एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है, अदालत फैसला ही सुनाती है कि छापा गैर कानूनी है, ये सारा अमल, ये सारी रेड गैर कानूनी हुई है, और FIA वहाँ पर जब पहुँचती है वो सादा कपड़ों में है, अपार्ट फ्रॉम कोर्ट्स इंस्ट्रक्शन के जब भी रेड होगी आपको यूनिफॉर्म में होना होगा। इतनी लॉलेसनेस सर, और उस लॉलेसनेस के ऊपर अभी तक की जो कार्रवाई, मैं चाहता हूँ कमेंट करें और बताएं कि इस सारे को मजीद अगर कोई प्रोसीड करना चाहे तो कौन कर सकता है और कैसे कर सकता है। जी, सबसे पहले तो ये कि जो अरेस्ट तरीका है वो बहुत वाजे है और उसके ऊपर बहुत सराहत के साथ, बहुत ही तफसील के साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेंट किया हुआ है, उनका जजमेंट्स हैं, और जो पुलिस ऑर्डर है उसके अंदर भी लिखा गया है कि किस तरीके से अरेस्ट को कैरी आउट किया जाएगा। अरेस्ट को कैरी आउट करने का जो बुनियादी वजह होती है वो ये है कि आपने शवाहिद इकट्ठे करने होते हैं और आपको जरूरत है तफ्तीश के लिए उस शख्स की जिसका नाम एक्यूज के तौर पे डाला गया है, और उससे आपको कोई चीजें बरामद करनी है। अब जिस तरह का ये केस बनाया गया है उसमें किस चीज की बरामदगी होनी है, कौन सी तफ्तीश है जिसको आपने आगे लेके जाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप एक्यूज्ड को अरेस्ट करें। दूसरी बात ये कि क्या कोई एविडेंस ऐसा है जिसको वो डिस्ट्रॉय कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं। और ये जो सारा का सारा सिलसिला बनाया जाता है जब आप रेड करते हैं लोगों के घरों पे बगैर वारंट के, तो उससे ज्यादा कबाहत वाली बात, उससे ज्यादा इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल राइट्स है उसकी वायलेशन है।